ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चंस मेरे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें उनका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवेन है या आप मेरी साइट डब्लू डब्ल्यू जाएं डॉट ई लर्न डॉट इन पर जाएँ सिंपली क्लास क्लिक करें बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज की प्ले देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर हमें फिर से स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है बाई विच टू नाइन टू फाइव मस्ट बी डिवाइडेड अब की बार डिवाइड करने के लिए कह रहा है जैसे कि हमारा लास्ट क्वेश्चन अगर आपने देखा हो सेवन बचा था और सेवन हमने मल्टीप्लाई कर दिया था क्यों क्योंकि क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कह रहा है था अब की बार वो डिवाइड कह रहा है क्वेश्चन में तो अब की बार जो सिंगल वैल्यू बचेगी उससे हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे टू ऑप्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर जिससे कि हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकें फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑप्टेन और हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है उस नंबर का तो देखिए टू नाइन टू फाइव का स्क्वायर रूट निकाला तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे टू नाइन टू फाइव का तो देखिए थ्री से जाता है थ्री नाइन ज़ा ट्वेंटी सेवन थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन अगेन थ्री से चला जाएगा थ्री थ्री इज़ा नाइन थ्री टू ज़ा सिक्स थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन अब थ्री से नहीं जाएगा फ़ाइव से जाएगा फाइव सिक्स ज़ा थर्टी फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फ़ाइव अगेन फाइव से जाएगा फाइव वन जो फाइव फाइव थ्री इज़ा फिफ्टीन एंड थर्टीन वन ज़ा थर्टीन तो प्राइम फैक्टराइजेशन किया इस नंबर का तो कितना आ गया टू टाइम्स थ्री टू टाइम्स फाइव एंड वन टाइम थर्टीन राइट अब पेयर्स बनाएंगे तो थ्री और फाइव का बन रहा है लेकिन थर्टीन का कोई पेयर नहीं बन रहा है तो अब क्वेश्चन में हमें डिवाइडेड कह रहा था तो जो अकेला नंबर बचा है उसी से डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू को तो हम क्या लिख सकते हैं अबव नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाय डिवाइड बाय थर्टीन टूगेट अ परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए राइट right? तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या नंबर आता है ये देख लेते हैं टू नाइन टू फाइव को हमने थर्टीन से डिवाइड कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में डिवाइड कह रहा था तो देखिए यहाँ पे साइड में निकाल रही हूँ टू नाइन टू फाइव को थर्टीन से डिवाइड किया थर्टीन टू ज़ा ट्वेंटी सिक्स थर्टी टू बचा अगेन थर्टीन टू ज़ा ट्वेंटी सिक्स तो कितना बचा सिक्स बचा फाइव होता रहा फाइव ज़ा सिक्सटी फाइव राइट तो हमारा कितना आ गया टू टू फाइव आ गया डिवाइड करने के बाद तो दैट मीन्स हमारा आया टू टू फाइव अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे टू टू फाइव का जो डिवाइड करने के बाद आया कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है ये देखने के लिए तो देखिए यहाँ कर रही हूँ टू टू फाइव का स्क्वायर रूट तो थ्री से जाएगा थ्री सेवन जो ट्वेंटी वन थ्री फाइव ज़ो फिफ्टीन अगेन थ्री से गया थ्री टू जो सिक्स थ्री फाइव ज़ोर फिफ्टीन और फाइव से चला गया फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव एंड फाइव वन ज़ा फाइव तो देखिए दो बार थ्री और दो बार और दो बार फाइव आ रहा है और पेयर बनाया तो एक, बे, एक, एक बार बाहर निकाल लिया थ्री और फाइव और मल्टीप्लाई करके हमें पता चल गया जो नंबर डिवाइड करने के बाद आया था वो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन किसका फिफ्टीन का आंसर

सेम नंबर ऑफ प्लांट्स ईच रो कंटेन एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज हर एक रो में उतने प्लांट्स हैं जितने की नंबर ऑफ रोज हैं मतलब अगर फाइव रोज हैं वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव रोज हैं तो एक रो में फाइव ही प्लांट्स हैं राइट फाइव रोज हैं तो फाइव ही प्लांट्स हैं राइट right? इस तरीके से उगाया गया अब आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है फाइन द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रोज तो हमें ये रोज निकालनी है कि कितनी है और प्लांट्स निकालने हैं उसी तरीके से कि कितने हैं एक रो में तो हमारी दोनों चीजें सेम है राइट तो हम क्या लिख सकते हैं लेट लेट कर सकते हैं लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स है अगर नंबर ऑफ रोज एक्स हैं देन नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो प्लांट्स इन ईच रो हर एक रो में नंबर ऑफ प्लांट्स भी कितने होंगे एक्सी होंगे इज ऑल्सो एक्स एक्स ही होंगे राइट right? अब गार्डन में कितने प्लांट्स आ सकते हैं प्लांट्स प्लांटेड इन अ गार्डन प्लांटेड इन अ गार्डन कितने प्लांट्स गार्डन में प्लांट हो सकते हैं दैट इज वन टू टू फाइव राइट तो हमें पता है जितनी नंबर ऑफ रोज थी उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स थे तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स को मिला के हमारे टोटल प्लांट्स प्लांटेड हो रहे हैं प्लांट्स प्लांटेड फिर से बता रही हूँ जितने गार्डन में प्लांट्स प्लांटेड हो रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं जितनी नंबर ऑफ रोज थी उतने नंबर ऑफ प्लांट्स थे राइट right? एक रो में यहाँ पे आप इन ईच रो भी लिख सकते हैं आप नंबर ऑफ रोज थे एक्स और नंबर ऑफ प्लांट्स भी एक्स थे और टोटल प्लांट्स कितने प्लांट करने थे वन टू टू फाइव तो ये x एंड टू एक्स जब भी सेम वेरिएबल की सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई होती है तो वो पावर की फॉर्म में हो जाती है कैसे तो देखिए इसकी पावर वन है और इसकी पावर वन है और मल्टीप्लाई में जब बे सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है तो वन प्लस वन कितनी हो गई टू पावर हो गई इक्वल्स टू वन टू टू फाइव अब हमें x की वैल्यू निकालनी थी तो जब ये पावर हटती है तो दूसरी साइड इक्वल टू के एक तरफ पावर हटती है तो दूसरी साइड वो अगर टू की पावर हट रही है तो स्क्वायर रूट बन जाती है और थ्री की पावर हटती है तो थ्री हटता है मतलब पावर में अगर थ्री है और थ्री हटता है तो वो दूसरी साइड जाके क्यूब रूट बन जाती है ये हमेशा याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो अब क्या करना है हमें ये स्क्वायर रूट बन गया है तो इसका मतलब हमें स्क्वायर रूट निकालना है किसका वन टू टू फाइव का तो देखिए फाइव से जाएगा फाइव टू जो टेन फाइव फोर ट्वेंटी फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव फोर जो ट्वेंटी फाइव नाइन जब फोर्टी फाइव एंड सेवन सेवन फोर्टी नाइन एंड सेवन वन 7. तो ये कितना आ गया? X आ गया? गया X हमारा square root के अंदर 2 times 5, जैसा हम पहले निकालते थे लास्ट के क्वेश्चन में निकाला है और टू टाइम्स सेवन अब देखिए हम क्या करते थे पेयर्स बनाते थे और एक बार बाहर लिखते थे तो हमारा स्क्वायर रूट हट जाता था तो एक बार फाइव आ गया एक बार सेवन आ गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सेवन फाइव सा थर्टी फाइव तो हमें पता चल गया कि हमने एक्स किसे माना था नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो राइट तो हमारा नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई नंबर ऑफ रोज भी थर्टी फाइव आ गई और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो भी थर्टी फाइव आ गई इन ईच रो भी हमारा थर्टी फाइव आ गया इज द आंसर लेट्स यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ